क्रिसमस टाइम, ये मेरा सबसे पसंदीदा वक्त है। मैरी क्रिसमस बच्चों। देखना है कि सांता क्लॉज इस साल मेरे लिए क्या लाते हैं। मैं सांता के बारे में तो नहीं जानती, मगर मैं तुम सबको मजेदार क्रिसमस डिनर जरूर खिलाऊंगी। कहीं इस बार भी तो हमें जली हुई टर्की नहीं खिलाने वाली हो ना। ये फिर से शुरू हो गए, पता नहीं क्यों पर इन दोनों में मॉम और डैड भी बच्चे बन जाते हैं। मगर इसमें गलत क्या है मैक्स? क्रिसमस का समय जो है सही। और क्रिसमस का मतलब है मजे करना, तो अब तुम लोग भी शुरू हो जाओ। रहने दो। देखो आज इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो। तुम लोग भी होलिया बदलो और छुट्टियों का पूरा मजा लो, समझे? तुम कहना क्या चाहती हो, हम भी रेंडियर की सिंग लगा ले? हाय जोई, मैरी क्रिसमस। वाह, ये तो बहुत सुंदर क्रिसमस कॉस्ट्यूम है। देखा, मैं भी यही कह रही थी। सुनो, एक काम करते हैं, आज हमारा पूरा परिवार ही ड्रेसअप करके छुट्टियों का मजा लेगा। हाँ, ये हुई ना बात, हम अपनी एक अलग क्रिसमस हॉलीडे कॉस्ट्यूम पार्टी करेंगे। हॉलीडे पार्टी। लगता है मुझे रेंडियर के सिंग लगाने ही होंगे। उससे अच्छा होगा कि यहाँ से खिसक लो। मुझे पहनना पड़ा तो तुम्हें भी पहनना पड़ा। चाहते चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। डायनासोर किंग तुम बनोगे, हाँ चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, प्लास्टिक जायंट सारे साथ में है। देखो देखो अब आए हम, डायनासोर में कितना दम, ये फिर से जिंदा हुए, आपस में कितना लड़े, भागो घर के बाहर खड़े। 14 लाख सालों पहले वो फिर वापस आ गया, फिर राक्षसों से बड़ी, अब न जाने क्या होगा। ज्यादा परेशान मत करना, आराम से रहना, रात में हम भी आएंगे। बाय बाय बच्चों। चलो ना लोरा। ठीक है, बाय मम्मी एंड डैडी। दादू को ज्यादा परेशान मत करना, आराम से रहना, रात में हम भी आएंगे। बाय बाय बच्चों। खाओ चुपचाप, मेरे घर के अंदर कोई खाना छोड़ नहीं सकता। आज मिलेगा कच्ची इमली का सूप। क्या इस हेलगा का कुछ नहीं हो सकता? अगर हम उसकी उठापटक से बच भी गए तो उसका खाना हमारी जान ले लेगा। चुप रहो, भले ही उसके कुछ पेज ढीले हैं और फ्यूज उड़ा है, मगर वो जान नहीं लेगी। वो बड़ी अजीब सी हरकतें करने लगी है। कल तो उसने अपना पूरा सेरेना चाह दिया था। हेलगा को भले ही जोर का झटका लगा है, मगर वो हमारे साथ कभी कुछ नहीं करेगी। हाँ, सही कह रहा हूँ ना हेलगा? तुम कौन हो? हेलगा, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें हेलगा बनाया है। और तुम लोग कौन हो? तुम्हारे बॉस। किचन में जाओ और हमारे लिए चॉकलेट केक बनाओ। यस बॉस। मैं 21 साल की सुपर मॉडल हूँ, मेरे लिए डाइट खाना लाना। मेरे लिए तेल मसाले का। मेरे लिए कुछ भी ले आना। ये रहा डाइट फूड अरसला, ये बिना तेल मसाले के जंदा, और ये परसों की बची खट्टी दाल। लगता है ये हमें शहीद बनाकर ही छोड़ेगी। तुम लोगों को कुछ खाना है बच्चों? हमें, हम क्रिसमस के बारे में सोच रहे थे। सोचने का क्या फायदा लोरा? कोई बात नहीं दादू। मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो, तुम लोग नए मिशन पर जाना चाहते हो ना? मिशन? हाँ, मैं चाहता हूँ कोई डी टीम के घर में घुसकर मेरे सारे डायनासोर कार्ड्स ले आए, और ये काम तुमसे बेहतर कौन कर सकता है? हाँ? सही कहा आपने, ये काम मेरे एड और जेंडर के अलावा कोई नहीं कर सकता, एक छोटी लड़की और उसके दो। आईना देखा है, तुम तीनों को जहाँ भेजता हूँ हार ही होती है। लोरा और रॉड तुम जाओ और अपने साथ टेरी और टैंक को ले जाओ। थैंक्स दादू, हम कामयाब होकर लौटेंगे। देखो कितनी बर्फ है। यहाँ तो पूरा क्रिसमस का माहौल है। अरे देखो वहाँ कितने बड़े
रहने दो ना लौरा, वो एक मूर्ति तो है। मॉम, आपको ये कॉस्ट्यूम्स कहाँ से मिले? ये मेरे कॉलेज के दिनों के हैं। मैं कॉलेज के थिएटर डिपार्टमेंट में थी, मैंने इन्हें संभाल कर रखा था। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना हनी? हाँ, ये रॉबिन हुड वाली ड्रेस है। जब मैं छोटा था तब हमेशा खुद को रॉबिन हुड ही समझता था। ये तो मेरे लिए है। ये वाली मैक्स के लिए है, और रेक्स इसे देखो, ये वाली तुम्हारे लिए है। आप लोग हमें सचमुच ही सब पहनाने वाले हैं? नहीं, मैं तो नहीं पहनने वाला। मान जाओ ना, क्रिसमस ईव पर मजे लो बच्चों। ठीक है, मगर मुझे स्नोमैन क्यों बना रहे? जरा सुनिए मैम साहब, ये शेरवुड जंगल किस तरफ है? ये रॉबिन हुड कितना हैंडसम है। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो कितनी मस्ती कर रहे हैं। हम इनका मजाक किरकिरा कर देंगे। क्या? ये जैसे घर से निकलेंगे, हम अंदर जाएंगे और डायनासोर कार्स लेकर ही आएंगे। मतलब सांता क्लॉस आज चोरी करेंगे? अरे सुनो, मैं अब क्रिसमस केक लेने बाजार जा रही हूँ। शहर की सबसे बड़ी बेकरी में ऑर्डर दिया है, जल्दी जाना होगा वरना केक नहीं मिलेगा। क्या हम मैक्स की मॉम को ही पकड़ लें? नहीं, उन्हें पकड़ना नहीं है, उनका ध्यान बटाना है, और किसी तरह से उन्हें कुछ देर तक यहीं रोक के रखना है तुम्हें। फिर मैं मैक्स और उसके दोस्तों को बाहर निकालूंगा और चुपके से जाकर काज लेकर आऊंगा। मगर तुम क्या सोच रही हो लौरा? हमें वो डायनासोर काज लाने हैं जो डॉक्टर एंशिएंट और दादू ने बनाए थे, और उन्हें उनकी सही जगह तक पहुँचाना है। हाँ, मगर ऐसा करना ठीक होगा? क्या तुम मॉम और डैड के पास वापस नहीं जाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो चलो, अभी यही करना है। चलो जल्दी, वो आ रही है। मेरा केक, चोर! रुको, मेरा केक मुझे दे दो, उसे मत लो प्लीज। ये बहुत बुरा हुआ। कुछ ढूंढ रही हैं? तो तुम यहाँ हो? अगर आपको ये केक चाहिए तो यहाँ पर आइए और ले जाइए इसे। क्या कहा? क्या तुम्हें केक के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है। शायद तुम भी जानते हो कि उस बेकरी का केक बहुत अच्छा होता है, इसलिए तुम खुद को रोक नहीं पाए। मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला है, महीने भर पहले ऑर्डर देने के बाद। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। हाँ, हम खुद को रोक नहीं पाए। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ मेरे परिवार के साथ केक खाना। हाँ, यही ठीक रहेगा, चलिए। तो तुम हो रॉड और तुम लौरा, सही है ना? हाँ। जानते हो बच्चों, मेरा भी एक बेटा है, मैक्स तुम्हारी उम्र का है। उसका एक दोस्त रेक्स भी हमारे घर ही रहता है। उसके अलावा मैक्स की एक और दोस्त है जोई, जो हमारे घर आती जाती रहती है। मैक्स के पापा और बच्चे तो क्रिसमस पार्टी में तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, बहुत मजा आएगा। ये तो कमाल हो गया, हमें बिना कुछ किए ही घर में घुसने को मिल गया। मगर बच्चों, तुम्हारा परिवार कहाँ है? वो आज क्रिसमस ईव पर कुछ नहीं कर रहा है, वो तुम्हें ढूंढेगा नहीं? नहीं, हमारे पेरेंट्स तो बाहर गए हैं और हाँ, हम घर में बिल्कुल अकेले हैं। अच्छा, तब तो तुम्हें मेरे साथ जरूर जाना चाहिए, तुम्हें बहुत मजा आएगा। इन्हें पार्टी में बुलाकर अच्छा किया ना? मैक्स, तुम इन्हें देखकर बहुत खुश हुए ना? हमें पार्टी में बुलाने के लिए थैंक्स, हमारी वजह से आपको परेशानी तो नहीं होगी? आप लोग क्रिसमस मनाने का सही तरीका जानते हैं, आप सबकी कॉस्ट्यूम्स कितने सुंदर हैं। हाँ, मगर तुम तो, मेरा मतलब है... सुनो बच्चों, आज क्रिसमस ईव है और आज के दिन पूरा परिवार अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है। आज के दिन दुश्मन को भी गले लगाते हैं। अपने दुश्मन को भी? हाँ, ऐसा कहा जाता है। मैक्स, शायद तुम्हारे डैड का मतलब है कि तुम आज भी हमेशा की तरह रेक्स और जोई से झगड़ा मत करना, और हाँ, रॉड और लौरा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। समझे? समझ गया मॉम। ये हुई ना असली स्नोमैन वाली बात। किचन में कुछ जल रहा है। ओह, सही याद दिलाया, मैंने अवन में चिकन रोस्ट होने को रखा है, आप मेरी मदद करेंगे ना? रॉबिन हुड सबकी मदद करता है। ये स्नोमैन तो बहुत अच्छा है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? याद रखना, तुम्हारी मॉम ने झगड़ा करने से मना किया है। ये यहाँ किस चक्कर में आए हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये डायनासोर कार्ड के चक्कर में यहाँ पर आए हैं। मुझे भी यही लग रहा है। क्योटो में हम आखिरी कार्ड ले आए थे और उसके बाद 36 कार्ड में कोई और बचा नहीं है, तो ये हमारे कार्ड उठाना चाहते हैं। ओए, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर में ताक झांक करना मना है। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये तो नहीं जानती होगी कि ये तुम्हारे पेट्स असल में डायनासोर है? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ। तब तो वो ये भी नहीं जानती होंगी कि ये बड़े हो जाते हैं और दूसरे डायनासोर से लड़ाई करते हैं। सही कह रही हूँ ना? तुम धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूँ। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? नहीं, पेरिस लड़ना बंद करो। तुम भी ये
प्लीज लड़ाई बंद करो। हाँ, इतना शोर क्यों है? कुछ नहीं मॉम, हम खेल रहे हैं। हमें अब वो कार्स ढूंढने चाहिए, वो यहीं कहीं पर रखे होंगे। तुम मेरे बेडरूम में क्या करने आए हो? चलो निकलो यहाँ से। यहाँ तो नहीं है। यहाँ भी नहीं है। समझ में नहीं आता तुम्हें? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? काम काम काम, दिन भर कचरा ही साफ करते रहो। मेरी किताबें, देखो इसे देखो, मेरा प्यारा मेगलोसॉरस, तुम्हें तो भूल ही गया था। तुमसे कितनी उम्मीदें थी, मगर तुम तो निकले बिगड़े सांड। बड़ा होने के बाद तो तुम मेरी भी नहीं सुन रहे थे। शरारती बच्चा, अब तुम यही रहो और सोचो कि तुमने क्या गलत किया है। इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता है? I'm sorry, रॉड और लॉरा, मैंने मैक्स को मना किया था मगर वो कुछ सुनता ही नहीं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों के पास भी ये अजीब से डॉगीज हैं। सच, क्या इत्तेफाक है। हाँ, वो तो है। ये लो रॉड, इसे ठीक कर दिया। मैं माफी चाहती हूँ। शुक्रिया, ये तो बिल्कुल नए जैसा हो गया है। अक्की, अब तो हमें पार्टी शुरू कर देनी चाहिए ना? बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। आओ बच्चों, अब हम क्रिसमस की दावत उड़ाएंगे। केक खाओ और यहाँ से निकल जाओ। डॉक्टर जी, हमने जो अल्फा ड्रॉइड स्काउट भेजे तो वो डी टीम के घर से तस्वीरें भेज रहे हैं। सर्चिंग। अरे ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है वो जमकर पार्टी कर रहे हैं। हाँ, खाना पीना, नाचना गाना, क्रिसमस ट्री और तोहफे भी तो है वहाँ। बस बस रहने दो, पार्टी के बारे में इतना तो मुझे भी मालूम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रॉड और लॉरा को उन्होंने पकड़ लिया है और उन्हें केक खिला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मगर बच्चों को ऐसे मिशन पर भेजने पर यही होता है डॉक्टर जी। तो ठीक है, तुम तीनों जाओ और उन्हें वहाँ से ले आओ। जाओ, इसे ले जाओ। मगर ये कहाँ से आ गया? हमें तो लगा था कि आप कोई कार्ड नहीं बचा। हमें चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए, इसके बिना हम क्या करेंगे? न होमवर्क का डर, न खाने की चिंता, अब उठा पटक से अपना पीछा छूटा। तुम तीनों वहाँ से सारे कार्ड्स और बच्चों को सही सलामत ले आना, वरना सोच लेना हम होंगे कामयाब। मैंने इतना अच्छा केक पहले कभी नहीं खाया। कैसा लगा बच्चों? बहुत टेस्टी है। मैं सब खाया। चलो, तुम्हें अच्छा तो लगा। सुनिए, अपने रॉबिन हुड को एक और पीस देंगी क्या? बस भी कीजिए, वरना पेट खराब हो जाएगा। और बच्चे लोग, तुम लोग जितना चाहो उतना खा सकते हो। थैंक्स, मेरा पेट तो। अरे नहीं, खाने में शर्म कैसी? अगर आप बुरा ना माने आंटी, तो हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं। मना किसने किया है? अपना ही घर समझो। तुम्हें तो बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बुरा नहीं लगेगा। ओ, तुम बच गई। किस्मत वाली हो कि मेरे पास अब डार्ट ही नहीं है। मुझे भी चलो, तुम्हारी बारी है, फेंको। वो मेरे डैड जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर जानते हो वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, तुम्हारी मॉम भी। तुम दोनों आज अपने मॉम डैड के साथ क्यों नहीं हो? मैं तो अपने पेरेंट्स को जानता ही नहीं हूँ। मुझे तो बचपन में ही गोद ले लिया था और तभी से डॉक्टर ओवन ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है और वो सब कुछ दिया है जो एक बेटे को चाहिए। हो, 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 आ जाओ बच्चों, रॉबिन क्लॉज तुम सबके लिए क्रिसमस प्रेजेंट्स लाया है। बहुत सुंदर है, मैं तो इसे खोलकर देखना चाहती हूँ। लो तुम्हारे लिए। मैरी क्रिसमस बच्चों। ज्यादा वक्त नहीं मिला, इसलिए कुछ खास नहीं ला पाए। इनमें अक्की की बनाई ड्राइंग्स हैं जो तुम्हें पसंद आएंगी। कुछ खास तो नहीं है, पर तुम्हें पसंद आएगी। ये तो बहुत कमाल की है, अब दोनों को थैंक्स। मैरी क्रिसमस। ये देखो दोस्तों, इसमें एस की भी तस्वीर है और मेरी वाली में पेरिस की है। थैंक यू अंकल और आंटी। आपने मुझे ये मैथ्स की किताब क्यों दी है? कोई खास वजह मॉम?
वो इसलिए दी है कि तुम ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा नंबर लाओ। मैक्स, अब तो तुम्हें विंटर ब्रेक में भी पढ़ाई करनी होगी। क्या? पढ़ना जरूरी है? जाओ मैक्स। ये तुमने क्या किया मैक्स? चलो आंटी से माफी मांगो। तुम टांग मत अड़ाओ, समझे? अरे मॉम डैड ने तुम्हें इतनी कीमती चीज दी ताकि तुम पढ़ाई में अच्छा कर सको, समझे क्या? लेक्चर मत दो, पहले मेरा दिमाग खराब है और ऊपर से तुम लेक्चर दे रहे हो। तुम हमारे क्रिसमस ईव पार्टी में जबरदस्ती घुसे हो, अब निकल जाओ यहाँ से। मैक्स, लौरा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप लोगों को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। You both are welcome. मैक्स, उनके साथ ऐसा व्यवहार करके हमारी नाक कटवाना है। मॉम आप नहीं समझ रही। अरे कमाल है, मेरा डायना हॉल्डर भी गायब है। यही तो रखा था मगर अब नहीं है। हाँ, रॉड और लौरा ही ले गए होंगे। हमारा काम तो हो गया। हाँ, और जब दादी उसे देखेंगे तो वो हमारे लिए टाइम मशीन को जरूर ठीक कर देंगे। हाँ, फिर हम भी अपने मॉम डैड के पास वापस चले जाएंगे। हाँ? तुम दोनों ऐसे नहीं जा सकते। पहले मेरा डायना होल्डर तो फिर जहाँ जाना हो जाना। वो आ रहे हैं रॉड। तो डरने की क्या बात है? अल्फा स्लैश। डायनो स्लैश। ट्राइसर और टॉप, हमला करो। डायनो स्लैश। डायनोसॉरस हल्ला बोल। हारना नहीं है, हम जीतेंगे तभी घर वापस जा पाएंगे। ये देखो डायनो क्लॉस और उसका रेंडियर चॉम्प। चलो वेस, उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए घर भेज दो। मी फ्लाई। चुकी है फिर, डर किस बात का? आंटी भी पिटने आ गई। तुमने फिर से मुझे आंटी कहा। अगर आज मैं क्रिसमस की वजह से खुश नहीं होती तो मजा चखा देती। हाथ से काम लो ना। हाँ, इसे तो भूल ही गई थी। मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाई हूँ। इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक मेगालोसॉरस। उसके रंग देखो ना, ये जरूर एक सीक्रेट डायनासोर है। उसे ये तो याद है ना कि वो हमारी टीम में है। भाई मैं तो उसको नहीं बताने वाला। नहीं ए, क्या कर रहा है? ये जीरो जी थ्रो का इस्तेमाल कर रहा है। अरे नहीं, घबराओ मत, चौंप उसे पकड़ लेगा। थंडर भी मामला था मगर जीत हमारी ही हुई। लेकिन कार्ड। हाँ, हमारे कलेक्शन के लिए एक और डायनासोर कार्ड। कमाल है, हमें जोई का डायनो होल्डर भी मिल गया है। हाँ? अच्छा, तो तुम्हें डायनासोर कार्ड नहीं किताब चाहिए थी। हाँ, हम कार्ड लेने तो बाद में भी आ सकते हैं। तुम डॉक्टर फीस से कहना कि हमें कार्ड्स नहीं मिले। सैंडर, तुम कहना कि हम मेगालोसॉरस को वापस नहीं ला पाए। पर तुम क्या कहोगी? अरे कि इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आखिर वो
चले गए। झगड़ा करने के बाद तुमने उनसे दोस्ती कर ली है ना? हाँ, मॉम वो खुश होकर गए। चलो अच्छा है, बड़े प्यारे बच्चे थे। मॉम डैड मैंने जो भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं अब मैथ्स की पढ़ाई करूँगा, मेरा मतलब कोशिश करूँगा। हमारे लिए तो इतना ही काफी है। तो क्या कहते हो, अब हम घर वापस चले और पार्टी का मजा ले? हाँ, अभी क्रिसमस अब खत्म नहीं हुई है। अब तो मुझे भूख भी लग रही है अकी, और केक बचा है क्या? आपके लिए नहीं, तुम दोनों ले लो, जो बचेगा मैं और जोई खा लेंगे, है ना जोई? हाँ, गलत बात, रॉबिन हुड ऐसा नहीं करता, वो तो केक हमारे जैसे बच्चे को दे देता है। नहीं, मॉम ना हो तो नहीं देता। मेगालोसॉरस कार्ड मिलने के बाद अब हमारे पास कुल मिलाकर 31 अलग अलग कार्ड हो गए हैं, मगर अभी तो और खोज करना बाकी है। King is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. The past is in the present. Time to twist it upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny, yeah.